back to my channel. Exercise 14.1, question number 1. Copy the figure with the punched hole and find the axis of symmetry. तो यहाँ कुछ फिगर्स बनी हुई है जहाँ पे होल को पंच किया गया है और फाइंड करेंगे उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, तो ये जो फिगर है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे कि ये जो होल है इस होल को पूरी तरह से ओवरलैप कर ले। तो यहाँ पे वो ओवरलैप करेगा, वो बीच में जो लाइन आएगी उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ ये फर्स्ट पार्ट की एग्जाम्पल ली है मैंने। यहाँ पे दो होल दिए हैं, अगर मैं इस होल को फोल्ड कर दूं तो ये जो होल है इस होल को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। तो जैसे मैं इस होल को फोल्ड करती हूँ तो ये जो होल है इस होल को पूरी तरह से क्या कर लेगा, ओवरलैप। तो ये ओवरलैप हो गया, तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी वो कहाँ आएगी, सेंटर में। तो पहले का जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ आएगी इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर तो आप कॉपी पे बना रहे हो तो आप इसका मेजरमेंट ले ले इस लेंथ का। तो अगर ये लेंथ जैसे 6 सेंटीमीटर है तो ये एग्जैक्ट उसके बीच में 3 सेंटीमीटर पे ये एक्सिस ऑफ आ जाएगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो उससे क्या होगा कि ये जो होल है इस होल को एग्जैक्ट पॉइंट पे ओवरलैप कर देगा। ऐसे ही सेकंड का देखते हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल ये है, इसको भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो जैसे ये दो होल दिए हुए हैं, तो ये दो होल अगर मैं इस होल को फोल्ड कर दूं तो ये होल इस होल को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। तो देखो जैसे मैंने इसको फोल्ड कर दिया तो इसका क्या हुआ, ये जो होल को इस होल ने पूरी तरह से ओवरलैप कर लिया, तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो कहाँ पे आ जाएगी, इसके सेंटर में। तो यहाँ जो आएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं, तो ये होल इस होल को कहाँ पे ओवरलैप करेगा, इसके बीच में। तो यहाँ बीच में इसके आ जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगले जो फोर्थ पार्ट में, तो फोर्थ पार्ट में कैसे आएगी, ये यहाँ पे होल है ये यहाँ पे, तो बीच वाला जो आएगा वो आएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो आगे ये फिगर को देखते हैं, इस फिगर में बताएंगे कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है, एक तो सेंटर में बन रही है। सेंटर में अगर बनाएंगे तो अगर इसको फोल्ड करेंगे तो इस होल को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। सेकंड है यहाँ से इन दोनों के सेंटर्स में, तो ये होल के सेंटर में बन रही है। जब हम इसको इस साइड फोल्ड करेंगे तो ये दोनों होल इस होल को पूरी तरह से ओवरलैप कर देंगे। और नेक्स्ट ये यहाँ पे बन रही है, तो उससे से क्या होगा, ये दो जो होल है वहां पे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा दी। जब हम इसको इस साइड फोल्ड करेंगे तो ये होल इस होल को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा। तो एक बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टोटल एक्सिस बन रही है वो है 4। तो अगले सब में देखते हैं यहाँ पे कितनी एक्सिस बन रही है। यहाँ पे जो एक्सिस बनेगी, तो ये फिगर ऐसी है, तो कहाँ पे बनाना पड़ेगा, इसके सेंटर में। अगर तो आप सेंटर में लोगे तभी ये होल इस होल को पूरी तरह से ओवरलैप करेगा। अगर आप यहाँ पे ले ले सपोज करो, तो ये यहाँ पे दो होल तो बन रहे हैं, पर ये जब होल को बेंड करेंगे तो यहाँ पे कोई होल नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो एक्सिस बन रही है वो सिर्फ सेंटर में बन रही है, तो इसकी लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी, इसकी 1। तो अगली जो ट्रायंगल है इसमें देखते हैं, अब ये दो होल को ओवरलैप कैसे होगा, अगर ये बीच में लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर बीच में होगी तभी ये होल इस होल को पूरी तरह से ओवरलैप करेगा। तो ये भी ऐसी ही ट्रायंगल है, तो इसमें भी बीच में ही आएगा, अगर बीच में करे तभी ये होल इस होल को पूरी तरह से ओवरलैप कर देगा। तो इसमें कहाँ आएगी, इसमें सेंटर में, तो ये सेंटर में आ जाएगी। और इसमें यहाँ देखते हैं, इसमें कहाँ पे आएगी, इसके भी सेंटर में आएगी। तो इस फिगर
कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक तो ऐसे बन रही है, तो अगर इसको फोल्ड करेंगे ये हॉल इस हॉल को ओवरलैप कर देगा, और एक बन रही है इस साइड, अगर इस साइड करेंगे तो जब इसको नीचे की तरफ बेंड करेंगे ये हॉल इस हॉल को ओवरलैप कर लेगा। तो यहाँ पे कितनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे वन बन रही है। तो अगर तो हमने इन सबके नाम लिखने हो कितनी बन रही है, यहाँ पे वन थी वन लिख देंगे, ये भी वन है, ये भी वन है और ये भी वन है। यहाँ पे फोर बन रही थी तो मैंने फोर लिख दिया, यहाँ पे वन और ये भी वन है क्योंकि एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर भी एक है तो वन लिख देंगे, यहाँ पर भी एक है यहाँ पर भी वन लिख देंगे, ये भी वन है। यहाँ पे टू बन रही है तो इसको टू दे देंगे नाम, और ये जो वन है इसको वन दे देंगे।